नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। बोकारो में अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का हुआ पर्दाफाश। बोकारो से चुराए गए बाइक को बिहार में बेचा जा रहा था। बोकारो एसपी को मिले गुप्त सूचना के बाद बोकारो पुलिस ने एक टास्क फोर्स का गठन किया, जिसके बाद कई जगह छापेमारी की गई, जहां बोकारो के हरला थाना क्षेत्र के वैशाली मोड़ के मैदान में एक बाइक सहित तीन लोगों को संदेह के आधार पर पुलिस ने पूछताछ की। पूछताछ के क्रम में तीनों आरोपियों ने बाइक चोरी की अपराध को स्वीकार करते हुए कहा कि बोकारो के विभिन्न जगह से चुराए गए बाइक को बिहार के गया जिले के परैया थाना क्षेत्र के एक आंगनबाड़ी केंद्र के पीछे छुपाया गया था। बोकारो पुलिस ने तीनों आरोपी, जो चांस थाना क्षेत्र के भर्रा के निवासी हैं, जिसमें सैयद दरूद, आई सैयद अब्दुल और शाहबाज शाह को हरला थाना पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए बिहार के गया जिले से तीन बाइक को बरामद कर लिया है। साथ ही एक बाइक इन तीनों अपराधियों के पास पहले से मौजूद था, जो चुराया हुआ था, उसको भी बरामद करते हुए कुल चार बाइक हरला थाना पुलिस ने बरामद किया। साथ ही आरोपियों को जेल भेजा गया। इन आरोपियों के पास से तीन मोबाइल भी बरामद किया गया है। बोकारो के सिटी डीएसपी कुलदीप कुमार ने कहा कि यह अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें बिहार के कुछ अपराधी भी शामिल हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। उन्होंने कहा कि इन आरोपियों का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। इन आरोपियों की गिरफ्तारी से बाइक चोर का खुलासा करने में काफी मदद मिली। इन बाइक चोरों की खासियत थी कि ये महंगे बाइक की चोरी करते थे, ताकि अच्छा खासा पैसा मिल सके। इन महंगे बाइकों की अच्छी खासी कीमत भी बाजार में मिल जाती थी। वी टाइम न्यूज के लिए बोकारो से अनिल कुमार की रिपोर्ट। विगत कुछ दिनों से बोकारो क्षेत्र, नगर क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि नगर क्षेत्र के सभी थाना प्रभारी और प्राथमिक पदाधिकारियों के द्वारा टीम गठित कर लगातार छापामारी और अपराधियों का पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। इसी आलोक में हरला क्षेत्र में भी कल अहले सुबह संदिग्ध अवस्था में तीन व्यक्ति घूमते हुए पाए गए, जिनको पकड़कर थाना लाया गया और उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में वो अपने कई मोटरसाइकिल चोरी करने का अपराध भी स्वीकार किए, और अपने अपराध स्वीकारती बयान में इन्होंने बताया कि ये मोटरसाइकिल चोरी करके बिहार के गया जिले में किसी परैया थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल की खरीद बिक्री किए हैं, और जहाँ से ये जाकर अपना उस मोटरसाइकिल की बरामदगी करा सकते हैं। इसी आलोक में यहाँ से एक हरला थाना से एक टीम गई थी बिहार, और वहाँ से मोटरसाइकिल बरामद करके लाई है, और जिसमें इन्होंने अपराध में और भी बताया, स्वीकारोक्ति बयान में और भी बताया है कि अन्य कई मोटरसाइकिल इन्होंने इनके द्वारा चोरी की है, जिनकी बरामदगी हेतु हम लगातार प्रयासरत हैं। ये अंतर्राज्यीय गिरोह है क्या? नहीं, ये बोकारो जिला के ही चास नगर के क्षेत्र के हैं, और ये भर्रा और शाह मोहल्ला में रहने वाले हैं, लेकिन इनके सरगना में और भी लोग हैं, जो बिहार में भी इनके लोग जुड़े हुए हैं, और यहाँ से ये मोटरसाइकिल चोरी करते हैं और वहाँ पहुँचाते हैं, और वहाँ से एक अच्छी कीमत लेकर वापस आ जाते हैं। मतलब तो बिहार के जो लोग हैं, इसका सिंडिकेट है? हाँ, उसके कुछ लोग तो वहाँ पे हैं, जो कि उसकी खरीद भी करते हैं और फिर उसे पुनः बेच देते हैं, तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ से और बिहार से लोग जुड़े हुए हैं। पुराना अपराधी, कुछ लोगों का आपराधिक इतिहास है, जिसका हम लोग स्पष्ट उन्होंने निकालने का, और भी कुछ अपराधी के इतिहास अन्य थाना क्षेत्र और संदीपवर्ती थाना क्षेत्र में होगा, तो हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। तो बिहार में जो लोग जुड़े हैं उसका, उस पर भी छापेमारी की जा रही है? हम लोग लगातार उसमें लोकल थाना से संपर्क में हैं बिहार के, और कोई नाम अगर निकल के आता है तो हम लोग उनकी गिरफ्तारी करने के लिए यहाँ से टीम जाएगी।